नमस्कार दोस्तों, मैं आखिर नितेश आपके अपने YouTube चैनल आर्च पैट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 30 फुट बाय 60 फुट के घर के डिज़ाइन की, जिसमें जो 30 फुट है वो घर की चौड़ाई है और 60 उसकी लंबाई है। एंड दोस्तों ये इसके प्लान की डिटेल्स हैं, एक बार आप उसको देख लें और जान लें कि टोटल कवर्ड एरिया कितना है, क्या क्या रूम्स हमने प्रोवाइड किए हैं और पूरे घर को बनाने में टोटल कॉस्ट कितना आएगा। एक बार हम पूरे घर का ओवरव्यू ले लेते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको इस घर का एलिवेशन अच्छा लगा तो उसको लाइक भी कर दें। चलिए दोस्तों अब घर के अंदर की तरफ चलते हैं। तो मेन गेट से एंट्री करते ही आपको एक बड़ा सा ड्राइववे मिल जाता है एंड ये आपको एक बाहर से ड्राइंग रूम में जाने के लिए गेस्ट एंट्री मिल जाती है और उसके लेफ्ट हैंड साइड आपको ये 9 फीट वाइड फ्रंट यार्ड मिल जाता है जिसको आप गार्डनिंग के लिए यूज में ला सकते हैं। चलिए दोस्तों अब घर के अंदर मेन डोर की तरफ चलते हैं। सो मेन डोर से एंट्री करते ही आपको मिलता है एक बड़ा सा लॉबी कम डाइनिंग एरिया। इसके स्टेयरकेस के नीचे हमने स्टोरेज के साथ एक बड़ी सी वैनिटी प्रोवाइड की है एंड सामने आपको ये ड्राइंग रूम मिल जाता है जो कि 12 फुट 9 बाय 12 फुट का है। इसके बीच में बफर क्रिएट करने के लिए हमने पार्टीशन प्रोवाइड किया है। और ये डाइनिंग के ऊपर आपको डबल हाइटेड पोर्शन मिल जाता है। एंड डाइनिंग के बिल्कुल सामने आपको एक बड़ी सी ओपन किचन मिल जाती है जो कि 10 फुट 3 इंच बाय 12 फुट की है। एंड किचन के साथ ही आपको ये एक 4 फुट बाय 4 फुट का पूजा एरिया मिल जाता है और इसके बिल्कुल साथ ये है इस घर का बेडरूम नंबर 1 जो कि 12 फुट 10 इंच बाय 14 फुट 9 इंच का है और इसके राइट हैंड साइड हमने एक बड़ी सी वार्डरोब प्रोवाइड की है और बेडरूम के साथ अटैच्ड आपको एक वॉक इन ड्रॉप मिल जाता है जो कि 8 फुट 1.5 इंच बाय 10 फुट 10 इंच का है। एंड बेडरूम से आगे बढ़े तो आपको ये एक 6 फुट 10 इंच वाइड रियर यार्ड मिलता है जिसको हमने पार्शियली गार्डनिंग के लिए यूज किया है और पार्शियली यूटिलिटी एरिया के लिए। एंड दोस्तों हमने इसमें अटैच टॉयलेट नहीं दिया, हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं था। अगर आपको वो चाहिए तो आप वॉक इन ड्रॉप से टॉयलेट के साथ एक डोर प्रोवाइड कर सकते हैं तो फिर वो आपका अटैच टॉयलेट बन जाएगा। और ये है इसका एक बड़ा सा टॉयलेट जो कि 6 फुट 4.5 बाय 10 फुट 10.5 इंच का है। चलिए दोस्तों अब इसके फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक भी जरूर कर दें, थोड़ा सा हमारी टीम का भी दिल खुश हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब इसके बेडरूम नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि 12 फुट 9 इंच बाय 11 फुट 3 इंच का है और इसके साथ हमने एक बालकनी प्रोवाइड की है जो कि 3.25 फुट की है। और ये इसकी बड़ी सी बालकनी के साथ मिल जाता है आपको बेडरूम नंबर 3 जो कि 12 फुट 10 बाय 14 फुट 9 इंच का है। एंड बेडरूम से बाहर जाते ही हमें मिलता है कॉमन टॉयलेट जो कि अगेन 6 फुट 4.5 इंच बाय 10 फुट 10.5 इंच का है।
और यह है इसका बेडरूम नंबर 4 जो कि 12 फुट 10 इंच बाय 14 फुट 9 इंच का है। और इसके सामने हमें मिलता है इसका ड्रेसिंग एरिया जो कि 8 फुट 1.5 इंच बाय 10 फुट 10.5 इंच का है। एंड दोस्तों पूरे घर में ही वेंटिलेशन की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक रूम को नेचुरली क्रॉस वेंटिलेट किया गया है। एंड चलिए दोस्तों अब इसके हम सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। और ये है इस घर का बेडरूम नंबर 5 जो कि 11 फुट बाय 10 फुट 3 इंच का है। और इसके साथ ही हमें मिल जाती है इसकी पेंट्री जो कि 7 फुट 7.5 बाय 6 फुट की है। और इसके साथ हमें मिल जाता है 7x6 का टॉयलेट। एंड चलिए दोस्तों अब इसका टेरेस गार्डन देख लेते हैं। दोस्तों अगर इसका टेरेस गार्डन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक के साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें एंड बेल आइकन को भी दबा दें। एंड दोस्तों इस घर के फ्री प्लान का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर इसको आराम से देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।